पूरे मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल हो रहा है, लेकिन जवाब की जगह पर मौन है वो। सीएम हाउस में दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की ही सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला इतना गर्म हो चुका है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर चौतरफा हमले कर रही है। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर स्वाति से मारपीट का आरोप लगा है। कई सवाल हैं और ढेर सारा सस्पेंस है जिससे पर्दा उठाना अभी बाकी है। हर सेकंड ये टीम ने महिलाओं के लिए काम कराए, तपस्या करी, पर आज एलजी साहब ने एक तुगलकी फरमान निकाला, पूरे की पूरी महिला आयोग के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को निकाल दो। उनके साथ जिस तरह का घिनौना व्यवहार हुआ, मीडिया में रिपोर्ट आई कि मारपीट हुई है। अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी, विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे, उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। क्यों स्वाति मालीवाल सामने नहीं आ रही है? कहां है स्वाति मालीवाल? क्या स्वाति मालीवाल जी को जबरन दबाव बना के कहीं पे रखा हुआ है? अगर महिला है और उसके साथ कुछ अन्याय हो गया तो फोन उठाओ, 181 करो और स्वाति मालीवाल पहुंच जाएगी। स्वाति मालीवाल पहुंच जाएगी। कहाँ है स्वाति मालीवाल? जो स्वाति मालीवाल जी को कहना होगा स्वयं कहेंगी। इसने ऐसा किया स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ, उसको इन्होंने जेल क्यों नहीं भेजा? स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना घटी, 24 के चुनाव में अचानक स्वाति मालीवाल सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। दिल्ली की लेडी सिंघम है ये, दिल्ली की लेडी सिंघम है ये। आम आदमी पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर पीसी करने सामने आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल जी अभी तक बाहर नहीं आई हैं और उन्होंने उसके बाद कोई बयान नहीं दिया है। सवाल ये उठता है, क्या स्वाति मालीवाल जी को जबरन दबाव बना के कहीं पे रखा हुआ है? लेकिन आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सीन से गायब है। किसी भी महिला के साथ अन्याय की बात पर उसके हक के लिए लड़ने वाली स्वाति मालीवाल किसी से बात नहीं कर रही। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को 3 दिन से कहीं नहीं देखा गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर 3 दिन पहले ऐसा क्या हुआ था, तो जवाब के तौर पर मौजूद है ये कागज। तारीख 13 मई, वक्त 9:34। अचानक स्वाति मालीवाल सिविल लाइन्स थाने की PCR यानी पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल करती है। फोन पर स्वाति मालीवाल ने क्या कहा वो इस कागज में दर्ज है, जिसमें लिखा है, लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूँ, उन्होंने अपने PA वैभव कुमार से मुझे पूरी तरह पिटवाया है। इस कागज को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है और इसी कागज के हवाले से बीजेपी सवाल पूछ रही है कि इसमें वो उन्होंने कौन है जिसने स्वाति मालीवाल को पिटवाया। उन्होंने अपने PA वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है, नोट किया जाए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल, क्योंकि PA तो उन्हीं के हैं, बात तो उन्हीं की सुनेंगे और कोई तो उन्हें निर्देश दे नहीं सकता है। तो ये जो उन्होंने आया, मतलब अरविंद केजरीवाल ऐसा प्रतीत होता है, ये अपने PA को कहते हैं कि एक नेत्री को जो सांसद हैं और उन्हीं की पार्टी से हैं उनको पीटो, गाली दो।
दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 13 मई को स्वाति मालीवाल पीसीआर कॉल करने के बाद सिविल लाइन थाने भी पहुंची थी, जहां पर उन्होंने पूरी घटना पुलिस को बताई, लेकिन लिखित शिकायत बाद में देने की बात कहकर वहां से चली गई थी। और अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है गुरुवार दोपहर की तस्वीर, जब दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पहुंची। दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसर स्वाति मालीवाल के घर पहुंचे थे। कई घंटे तक पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पर मौजूद रही। 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल से ये जानने पहुंची थी कि अगर उनके साथ मारपीट हुई है तो उन्होंने कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव है? क्या स्वाति को किसी तरह की धमकी मिली है? करीब 4.5 घंटे बाद जब दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर से बाहर निकली तो खबर आई कि स्वाति मालीवाल ने बयान दर्ज करवा दिए हैं। दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी और एडिशनल डीसीपी के सामने स्वाति मालीवाल ने अपने बयान दर्ज करवाए। हालांकि स्वाति मालीवाल के इस एपिसोड के करीब 36 घंटे बीतने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मीडिया के सामने आए थे और स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी की बात कबूल की थी। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।